तो जैन ऋषि, आपने बड़ा अच्छा लिंगन किया मेरे समय, आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, आप अभी क्या करने वाले थे? एक जैमिन ऋषि नाम के बहुत ही महान ऋषि थे, जैमिनी ऋषि। ओके, अब इनका डिस्कशन हुआ वेदव्यास जी के साथ। वेदव्यास जी ने कहा कि अगर किसी का मन भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है ना, उसको पता भी हो सही क्या गलत क्या है तो भी वो गलत करेगा। जैमिनी ऋषि ने कहा ना, जब पता है हमें सही क्या गलत क्या, हम गलत नहीं करेंगे, हमको पता है ना सही क्या गलत क्या है, हम नहीं करेंगे। कहना है अगर किसी को पता भी हो सही क्या गलत क्या है, लेकिन क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसन्न नाम है तो भी वो गलत करेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन जो है किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। तो अभी चतुर्मास जैसे होते ना, चतुर्मास आए, जैसे चतुर्मास का चौथा महीना चल रहा है, तो चतुर्मास में वेद व्यास चले जाया करते थे तीर्थाटन। तो पीछे जैमिनी ऋषि अकेले थे, उन्होंने कहा देखो मैं जा तो रहा हूं लेकिन अपना ध्यान रखना, यू बी ऑल अलोन, अब आश्रम में आप बिल्कुल अकेले हो गए, ध्यान रखना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है सही क्या गलत क्या है, मैं क्यों गलत करूंगा, मुझे बताया और क्या नहीं। तो सो वेद व्यास जी उसका फिर निकल गए। तो कुछ हफ्ते बीत गए, जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त का महीना मतलब बारिश का महीना। अब ये जंगल में थे, तो जंगल में वहां पर एक स्त्री थी, कब कब आ रही थी, बारिश हो रही है, भीग रही है बेचारी। उन्होंने कहा अरे आप ऐसी, हाँ अकेले कहते हैं क्या करूं, ये ना नदी पार करके हाँ आई थी जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने के लिए, लेकिन बाढ़ आ गई तो मैं उस पार जा नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई हूँ। जैमिनी ऋषि ने कहा अरे आप मेरे आश्रम में आइए, जैसे ही ये नदी थोड़ी सेटल हो जाएगी आप चले जाएगा वापस। क्या ठीक है जी, बड़ी दया आपकी, बहुत दया आपकी। तो उन्होंने कहा क्या, एक कुटिया थी, कुटिया में उनको जगह दी थी, आप यहाँ पे रहिए ठीक है जी, और अंदर चटनी बंद कर लीजिए, उनको नए कपड़े भी दिए, सूखे कपड़े दिए, और मैं भी बोलूँ खोलने के लिए, खोलना नहीं। अब जैमिनी ऋषि आ गए अपनी कुटिया के अंदर, उन्होंने खोले अपने वेद शास्त्र, खोले पढ़ना शुरू किया, और उनको बार बार जो है वो सीन याद आए, उनके गीले गीले बाल, उसकी मीठी मीठी आवाज, उसका प्यार से बोलना, उसका शर्माना, नहीं गलत है, किताब बंद की, गए कुटिया के बाहर, नॉक नॉक नॉक, आखिर हाँ जी बताइए जी, कहते मैं जैमिनी ऋषि, हाँ जी 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 बोलिए भाई साहब, बोलिए कुछ नहीं है भाई साहब, बोला था दरवाजा खोलिए आप, नहीं नहीं दरवाजा तो नहीं खोलना, आपने बोला था ना अगर आप भी बोले तो भी नहीं खोलना है, खोला हुआ आपको जब कुटिया मेरी है, मैं किराया लिया आपसे, खोलिए आप। नहीं जैमिनी ऋषि मुझे आपकी भावनाएं कुछ ठीक नहीं लग रही है, खोल देगा नहीं खोलती हो तुम, नहीं खोलूंगी अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगी। अरे जैमिनी ऋषि जो है वो तो कुटिया के ऊपर चढ़ गए, वहां के ब्लॉक्स हटाए, अंदर कूद गए वो, लड़की ने देखा अरे जैमिनी ऋषि तो बहुत जिम्नास्टिक है वो, ये तो उसने चिटकनी खोली, दरवाजा खोला, भागी, उसके पीछे जैमिनी ऋषि भागे, ये और तेज भागी, जैमिनी ऋषि तो एथलीट थे, दौड़े, पकड़ लिया उसका हाथ, पकड़ के उसका हाथ खींच लिया, उसको अपनी बाहों में भर लिया, उसको जैसे उसको अपनी बाहों में भरा, दैट लेडी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेदव्यास। वेदव्यास जी ने कहा सो जैमिनी ऋषि, आपने बड़ा अच्छा लिंगन किया मेरा इस समय, आप तो जानते हैं सही क्या है गलत क्या है, आप अभी क्या करने वाले थे? अभी वेदव्यास ये क्या, आप तो आप बता रहे थे हाँ, ऐसा अगर ये पता भी हो सही क्या गलत क्या है तो भी हम गलत नहीं करेंगे, राइट? या सो सॉरी। वेदव्यास जी ने कहा दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, अगर किसी का मन भोगेश्वर प्रसक्ता नाम में लगा हुआ है तो इवन मोरालिटी भी कुछ काम नहीं करती है। इसलिए जो मोरालिटी की जो शिक्षाएं चल रही है ना दुनिया के अंदर, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, डोंट हार्म अदर्स, ओके बिट, ये ड्राई वाली है। सारी मोरालिटी लोग किनारे कर देते हैं, जैसे ही मौका आता है भोग करने का सारी मोरालिटी किनारे। इसलिए मॉरल एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क, विदाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन मोरालिटी भी काम करने वाली नहीं है।